हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज मोनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पहले हम इसको मोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मोनोमियल एक्चुअली है ही, लेकिन इसका फॉर्म जो है थोड़ा सा थ्री टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसको मोनोमियल के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए माइनस वन यहाँ है, यहाँ पर वन है और यहाँ पे वन है, और सिमिलर वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे। आफ्टर दैट एक्स के वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब। वाई के वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं, तो वाई क्यूब माइनस वन इंटू वन इंटू वन आपका माइनस ही होगा, माइनस एक्स टू दी पावर, देखिए पावर्स को ऐड कर देंगे, वन प्लस थ्री फोर एंड वन फाइव, सो माइनस एक्स टू दी पावर फाइव इंटू y टू दी पावर थ्री एंड वन फोर एंड वन फाइव। सो दिस इज योर, तो हमने मोनोमियल फाइंड कर लिया है। नाउ वेरीफाई द रिजल्ट, हमने जो रिजल्ट आया है वो सही है या गलत है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग दीज वैल्यूज x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू। चलिए यहाँ पर हम LHS से लेकर के और RHS से लेकर के हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। लेट अस डू वेरीफिकेशन। सबसे पहले हम LHS यूज करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हम यूज करेंगे इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर x और y की वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू वन पुट करेंगे और y इक्वल टू, और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो हमने वैल्यू पुट कर लिया है, नाउ यहाँ पर देखिए माइनस एट आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर भी क्या माइनस थर्टी टू मिलेगा आपको, लेट अस सी। RHS हम यूज करेंगे ये वाला टर्म, जो हमारा रिजल्ट आया है मोनोमियल x टू द पावर फाइव एंड y टू द फाइव माइनस में, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे क्या मिलेगा, माइनस वन टू द पावर फाइव इंटू टू टू द पावर फाइव, और हम जाते हैं टू टू दी फाइव की वैल्यू होती है 32 और माइनस आपका नेगेटिव है ही, और वन टू दी फाइव की वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो माइनस 32 आपका डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। 28 यहाँ पर भी थ्री टर्म्स आपका फोर टर्म्स दिया हुआ है, इसको मोनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मीन्स मल्टीप्लाई करना हमें है एक्चुअली। लेट अस मल्टीप्लाई, वी हैव दिस मच। यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर लेंगे और जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1/8 आपका इस एक्सप्रेशन में 1/8 कॉन्स्टेंट है, 1/4 यहाँ से और यहाँ पे 1 है और ये 5। ओके, तो कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 5/132 इंटू एक्स टू द पावर, पावर्स को ऐड कर देंगे तो 4/2/6/17, वाई टू द पावर 4/2/6+17। नाउ अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और वेरीफाई करेंगे, तो आपका मतलब मिल चुका है मोनोमियल 5/32 एक्स टू द पावर 7 वाई टू द पावर 7। वेरीफिकेशन के लिए LHS पहले लेंगे, तो LHS आपका ये है और ये है आपका RHS। तो पहले हम LHS लिख लेते हैं और उसमें वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1 x की जगह पे 1 लिखेंगे, y की जगह पे 2 लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2 × 4 = 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2 × 4 = 10, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल गया 20 LHS। नाउ अब RHS फाइंड करेंगे, RHS आपका वैल्यू है ये, यहाँ पर 2 × 2 बचा है, 4 हो जाएगा, 4×5 = 20। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं RHS इज इक्वल टू 20 आ गया और LHS आपका 20 आया था, hence verified। होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो बाय।